हाँ सर, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और इसमें भी डिस्कस करेंगे। हम एंगल वाला पोर्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कि फिक्स एंगल के लिए हमारे पास फिक्स रेशियो होता है। मैं क्लास जूम पे ले रहा हूँ, बट गूगल क्लासरूम को आप लोग सब कोड लेके उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल वगैरह सारा उसमें अपलोड होता रहेगा, प्लीज उसे ध्यान रखिएगा जरूर। तो हमारे पास क्या है, लास्ट क्लास में हमने 30 और 60 के लिए ज्योमेट्रिकली वैल्यूज फाइंड करना सीखा था। मैं आज कह रहा हूं आपसे, आपसे कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ 10 45, सपोज करो, ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये आपसे कह रहा है। तो अगर आपको ज्योमेट्रिकली 10 45 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अगर टेबल आपने थोड़ा सा भी मेमोराइज किया है तो आपको पता होना चाहिए, आपने थोड़ा सा याद कर लिया होगा कि भाई 10 45 वन होता है, या 10 45 की जगह आपसे साइन 45 पूछ सकता है, साइन 45 की वैल्यू निकालो। अगर आप एक रेशो निकाल सकते हैं तो फिर बाकी तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसको हम कैसे ज्योमेट्रिकली फाइंड करते हैं वो देख लीजिए। एक्चुअली क्या करना है आपको, अगेन आपको एक राइट ट्राइंगल चाहिए जिसमें एंगल 45, साइड्स ना मालूम हो हमें, एंगल हमें फिक्स करना होता है, तब हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने लास्ट क्लास में लिया था, वहां पर पेंडिकुलर डाला था। यहाँ हमारे लिए आसान क्या है, हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है सर। अगर आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ले लेते, तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे पास टू साइड्स इक्वल हो गए, और अगर टू साइड इक्वल हो गए तो फिर एंगल्स भी इक्वल होगा। तो आपने आइसोसेलेस और 90 डिग्री ये प्रॉपर्टी लिया है। तो जैसे ही आपने आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल कहा तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी, और आपने सपोज कर लिया इसको आसानी के लिए, एक्स ले लीजिए ए ले लीजिए, ये आपने सपोज कर लिया। दूसरा आपको मालूम है, इफ इट इज ए आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल तो आपको मालूम है कि भाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ये हमारे पास 90 है तो सम तीनों का 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 हो जाएगा। बट राइट आइसोसेलेस है, साइड इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए एंड एंगल सी 45 डिग्री ईच हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो आपके पास हुआ क्या, आपने बेटे साइड सपोज कर लिया ए और ए, और आपके पास वैल्यूज आ गई 45 ईच। तो 45 का तो फायदा ये होगा, जब मैं 10 ए निकालूंगा तो 10 45 कहलाएगा वो। तो सिर्फ आप यहाँ एक चीज बचती है, बहुत सिंपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी भी तरीके से हाइपोटेनस निकाल दी, तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि हम हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? सर पाइथागोरस थ्योरम। शाबाश, तो अब हम यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस अगर आप बेटा लगाओगे तो आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। तो फाइनली ए सी मेरे पास आ जाएगा बेटे ए अंडर रूट 2। यस और नो? ठीक है, अब हमें 45 लेना है, साइन लेना हो, टेन लेना हो, कॉट लेना हो, तो आप किसी भी एक एंगल को कंसीडर कर सकते हो। एंगल ए को कंसीडर कर लो, एंगल सी को कर लो, दोनों ही 45 हैं। तो सपोज करो अगर मुझे 10 45 चाहिए तो मैं कंसीडर कर रहा हूं 10 सी। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप सी की वैल्यू बताओ, सी एंगल कितना है भाई? एंगल सी 45, वेरी गुड। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है भाई? AB ए हो जाएगा, और बेस कितना है भाई? BC A BC भी A हो जाएगा बेटे, शाबाश। तो A अपॉन A कितना हो जाएगा भाई? 1 1। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 10 45, ठीक है, वी गॉट बाय ज्योमेट्रिकली फिगर्स, दैट इज 1। तो इस तरह से आप 10 45 निकाल सकते। मैं आपसे कहने लगू आप साइन 45 बताओ तो वो भी इजी है, यही देख लीजिए।
तो हमारे पास क्या है, साइन 45 होता है, या 45 की जगह पहले नाम ही लिख लेते हैं, साइन सी, साइन सी विल बी पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट सी की वैल्यू है हमारे पास 45, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, ए, 45 हमारे पास ए हो जाएगा, और हमने वो निकाला ही था अभी हाइपोटेनस ए रूट टू, तो ए कैंसिल, तो आपको मालूम से कि भाई साइन 45 वन बाय रूट टू। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकली सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, 30, 45, 60, ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। ठीक है सर, चलो, तो ये था हमारे पास 45 की वैल्यू को फाइंड करना। अब हम देखेंगे सर